Greetings, I am Dr. Nand Kishore Yadav. Welcome to the Gate Solution India. So previously we were discussing about the BJT amplifiers. So in the last lecture we discussed about the common emitter configuration amplifier, and that is known as common emitter amplifier. And we seen that in a common emitter amplifier there is no resistance here. Okay, so emitter is directly connected to the ग्राउंड. तो क्या हुआ था, हमने लास्ट में कॉमन इमिटर एम्पलीफायर देखा था जिसमें हम इनपुट यहां से लगा रहे हैं, जैसे कोई बहुत स्मॉल सिग्नल है जो माइक से या माइक्रोफोन से इनपुट जा रहा है, और ये स्मॉल सिग्नल को हम एम्पलीफाइड कर रहे हैं थ्रू दिस बीजेटी. ओके, और इसकी बायसिंग इस तरह से करें कि ये एक्टिव रीजन में वर्क करेगा. ओके, एक्टिव रीजन में वर्क करेगा. इसके लिए हमने यहां बी1 वोल्टेज लगाया, तो बेस टू इमिटर जंक्शन को हमने बायस किया, दिस बेस टू इमिटर जंक्शन, और उसके बाद में कलेक्टर टू बेस जंक्शन को इस तरह से बायस किया कि ये रिवर्स बायस हो जाए. ओके, और हमने इस तरह, तो हमने देखा कि हम इसको स्मॉल सिग्नल के लिए इसका हमने गेन निकाला, इनपुट इंपेडेंस निकाला और आउटपुट इंपेडेंस निकाला, जो कि महत्वपूर्ण पैरामीटर्स है. अब हम कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन को विद डी जनरेशन पढ़ेंगे. कॉमन इमिटर एम्पलीफायर विद डी जनरेशन, डी जनरेशन, और इसको दूसरा बोला जाता है कॉमन इमिटर एम्पलीफायर विद इमिटर रेजिस्टेंस. तो अब हम इमिटर पे रेजिस्टेंस लगा रहे हैं. अब यहां डी जनरेशन का क्या मतलब है, डी जनरेशन का मतलब है कि हम इनपुट को डी जनरेट कर रहे हैं थ्रू द आउटपुट. जो आउटपुट आ रहा था, तो देखो ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, जो हम आउटपुट ले रहे हैं वो ले रहे हैं बी आउट वर्सेस ग्राउंड. एक्चुअल में ये किसका पार्ट है, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में जब एम्पलीफायर को डिस्कस करा था, ये जो किसका पार्ट है, ये पार्ट है का कलेक्टर टू इमिटर के बेस वोल्टेज का पार्ट है. और जो हम कलेक्टर टू इमिटर का जो इमिटर का पार्ट जो है, जो हम यहां से रेजिस्टेंस के थ्रू ले रहे हैं और वो फीडबैक हो रहा है इनपुट में, तो यहां पे कहीं ना कहीं इनपुट फीडबैक हो रहा है. जब मैं इसको फीडबैक पढ़ाऊंगा, फीडबैक एम्पलीफायर्स पढ़ाऊंगा, तब और मैं इसको डिस्कस करूंगा कि डी जनरेशन का मतलब क्या है. तो ये डी जनरेशन हो रहा है, डी जनरेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं मेरा जो आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट में जा रहा है. ओके, तो डी जनरेशन इसको बोला जाता है कॉमन इमिटर एम्पलीफायर विद डी जनरेशन, और कॉमन इमिटर एम्पलीफायर विद डी जनरेशन रेजिस्टेंस, और कॉमन इमिटर एम्पलीफायर विद इमिटर रेजिस्टेंस. तो ऐसे बहुत सारे नाम से आता है, और एग्जाम में भी इस तरह से किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है. तो हमने बहुत आसान तरीका देखा था कि किसी भी एम्पलीफायर को हमें एनालिसिस करना है तो हमें तीन चीजें निकालनी पड़ती है महत्वपूर्ण, जो है वो है गेन, इनपुट इंपेडेंस, आउटपुट इंपेडेंस. निकालने के लिए सिंपल तरीका बताया था, सबसे पहले क्या करना है हमें, जो मैंने पहले भी प्रोसीजर बताई थी, सबसे पहले जो भी आपको सर्किट मिला है उस सर्किट का पहले स्मॉल सिग्नल डायग्राम बनाओ. स्मॉल सिग्नल डायग्राम बनाने के लिए क्या था, फर्स्ट वी नीड टू ग्राउंड ऑल द लार्ज सिग्नल सोर्सेस, इट मींस वी नीड टू ग्राउंड ऑल द बैटरीज, ओके, विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस. लेकिन आइडियली सारी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता तो हम जीरो से करेंगे, अगर वोल्ट करंट सोर्स होता तो उसको हम ओपन कर देते. तो इस सिंपल तरीका है, और जो हमारा डिवाइस है उसका स्मॉल सिग्नल जो डायग्राम है पाई मॉडल है, पाई हाइब्रिड पैरामीटर मॉडल है, उसको हम बनाएंगे और करेंगे. तो चलो देखो, अब हम इस सर्किट को स्मॉल सिग्नल सबसे पहले बनाएंगे, तो स्मॉल सिग्नल डायग्राम बनाएंगे. तो सिंपल तरीका है, जितने भी इसके लार्ज सिग्नल्स हैं उनको हम ग्राउंड कर देंगे, तो ये ग्राउंड हो जाएगा, ये ग्राउंड हो जाएगा, तो सिंपल ये वाला बैटरी बचेगी, ये कोई स्मॉल सिग्नल सोर्स से बैटरी भी इन, ओके, और ये डायरेक्ट ग्राउंड हो जाएगा. ये देखो ये डायरेक्ट ग्राउंड हो गया, ये कहां गया है, ये बीजेटी में गया है. किस बीजेटी में गया है, ये जो हम इसका ये बीजेटी के इनपुट में गया है, तो इसके बाद में क्या आ जाएगा, बीजेटी का स्मॉल सिग्नल मॉडल आ जाएगा. तो देखो बीजेटी का स्मॉल सिग्नल, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये इमिटर है, तो बेस इमिटर कलेक्टर उसके अकॉर्डिंग हम बना लेंगे. तो ये बीजेटी का स्मॉल सिग्नल मॉडल है, यहाँ पे आर पाई आ जाएगा, आर पाई ग्राउंड हो जाएगा इमिटर, ओके. उसके बाद में यहाँ पे आपका वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, तो हियर वी विल ड्रॉ ए वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स आफ्टर डेट, ओके. सो दिस कलेक्टर कनेक्टेड टू इमिटर आर ई रेजिस्टेंस, एंड दिस शुड बी ग्राउंड, ओके. तो दिस शुड बी ग्राउंड एज पर द स्मॉल सिग्नल मॉडल, ओके. तो दिस इज आर सी रिलेटेड टू ग्राउंड, एंड हियर वी विल गेट ए आउटपुट, ओके. तो थ्रू डी आउटपुट वी विल गेट आउटपुट, ये मेरा ग्राउंड हो जाएगा, ये ग्राउंड हो जाएगा, ये ग्राउंड हो जाएगा, स्मॉल सिग्नल मॉडल में ये सब ग्राउंड हो गए, ओके. लेकिन यहाँ पे एक नया चीज हो रही है, यहाँ पे एक आरी रेजिस्टेंस हो रही है, तो इमिटर को एक रेजिस्टेंस है आरी, ओके, और ये भी ग्राउंड है, तो मैं इन सबको कॉमन ग्राउंड कर देता हूँ, तो ये मेरा कॉमन ग्राउंड हो गया, ओके. तो ये कॉमन ग्राउंड हो गया, तो ये मेरा आरी है,
और यहां पे क्या था मेरा R पाय और इसके क्रॉस क्या आउटपुट मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग मिलेगा B पाय। तो ये कौन-कौन से टर्मिनल से, ये मेरा बेस टर्मिनल था ओके, तो ये मेरा बेस टर्मिनल है। नाउ दिस इज द इमिटर टर्मिनल एंड दिस इज द कलेक्टर टर्मिनल ओके। सो वी हैव थ्री टर्मिनल्स ऑफ दिस दिस बीजेटी अंडर द कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन ओके। तो फर्स्ट स्टेप हमने फॉलो कर लिया है, फर्स्ट स्टेप स्मॉल सिग्नल मॉडल। तो स्मॉल सिग्नल इसका बना लिया, स्मॉल सिग्नल बनाने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आती है, हमें इसमें केवीएल कैसे ऐसे लगाना है ताकि हम गेन निकाल सकें। हमें वोल्टेज गेन निकालना है, एबी एबी वोल्टेज गेन निकालना है। और ये क्या होता है, ये होता है बी आउट वर्सेस बी इन, बी आउट वर्सेस बी इन। तो बी आउट वर्सेस बी इन के फॉर्म में हमें आउटपुट निकालना पड़ेगा। जब हमने कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन देखा था, देखो ये वाला जो सर्किट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा सा एनालिसिस करना है, इसको कैलकुलेशन करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें याद रखने की, जो याद रखना जो मैं यहां कुछ नया कर रहा हूं। हमने क्या देखा था, जब कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन में देखा था, फर्स्ट दिस वी इज इक्वल टू वी पाई हो गया था क्योंकि यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं था। लेकिन अभी देखो ये टोटल जो लूप है, ये लूप इस लूप में करंट फ्लो हो गया है, इस लूप में करंट हो गया है, तो वी इज इक्वल टू वी पाई नहीं हुआ। अभी ये जो करंट यहां से फ्लो हो रहा है ये आर ई में भी जा रहा है, तो यहां पे वी पाई अलग होगा वी नल होगा। लेकिन अब आरे की भी बात करो तो करंट इधर से भी आ रहा है, ये कौन सा करंट है जीएम इनटू बी पाई ओके, और इधर से करंट आ रहा है मेरा ये वाला करंट आ रहा है। तो यहां पे दो करंट आके यहां पे सम हो रहे हैं, तो इस नोड पे करंट का सम हो रहा है। तो यहां पे हमें पहले सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये बी पाई निकालना पड़ेगा कि बी पाई क्या है। बी पाई निकल जाएगा तो फिर हम जीएम बी इन और बी आउट के फॉर्म में रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। तो बी पाई निकालने के लिए हमें या तो यहाँ पे केवीएल लगाना पड़ेगा या फिर यहाँ केवीएल लगाना पड़ेगा या फिर इस नोड पे केसीएल लगाना पड़ेगा या इस नोड पे केसीएल लगाना पड़ेगा ओके। तो स्टेप फर्स्ट मैं सबसे पहले नोड सी पर केसीएल लगा रहा हूं, केसीएल एट नोड सी ओके और आउट बी आउट। So, मैं ये बी आउट पे कैसे लगा रहा हूं, तो आई एम अप्लाइंग केसीएल एट द बी आउट नोड एट दिस नोड। इस नोड पे देखोगे तो देखो करंट क्या फ्लो हो रहा है, एक तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, एक तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, एक इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है ओके। तो ये दोनों करंट जा रहे हैं, एक करंट इधर जा रहा है, देखो ये डायरेक्शन में करंट इधर जाएगा तो यहां पे बी आउट मिलेगा। तो इन दोनों का सम जो भी होगा, डायरेक्शन से भी मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों का जो सम होगा वो जीरो होना चाहिए। तो देखो मैं यहां पे टोटल करंट को इस नोड पे केवीएल लगा रहा हूं तो टोटल करंट का सम जीरो होना चाहिए, तो मैं यहां पे लगा देता हूं। अब नोडल लगा हूं तो क्या होगा, बी आउट बाय आरसी, बी आउट बाय आरसी क्या होता है, दो नोड के बीच का डिफरेंस उनके बीच का और ओवर रेजिस्टेंस उससे डिवाइड हो जाता है, बी वन माइनस बी टू ये लगता है। अगर यहां पे आर हो तो क्या होता है, बी वन माइनस बी टू बाय आर, ये होता है नोडल लगाने का तरीका। तो ये इस नोड पे लगा रहा हूं तो यहां दूसरा टर्मिनल तो ग्राउंड है, तो बी आउट माइनस जीरो तो बी आउट बाय आरसी प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, ये करंट इधर जा रहा है ठीक है ना, तो ये इसमें सम हो जाएगा जीएम, ये तो करंट है खुद, तो यहां पे वोल्टेज जो इसका कुछ है नहीं, तो ये किधर करंट जा रहा है ये वाला करंट ओके। तो ये क्या हो जाएगा जीएम जीएम बी पाई इज इक्वल टू जीरो। यहां से क्या निकल सकता है, बी पाई निकल सकता है। तो यहां पे देखो ये क्वांटिटी मुझे दिख रही है अननोन, यही मुझे निकालना था, तो यहां से बी पाई निकाल लेता हूं, बहुत आसान है। बी पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नीचे बाहर आ गया, चलो मैं हर स्टेप को यहां पर फॉलो कर लेता हूं, बी आउट सो बी आउट बाय आरसी इज इक्वल टू माइनस जीएम बी पाई। तो बी पाई क्या हो जाएगा, बी पाई इज इक्वल टू बी आउट बाय आरसी जीएम, ये माइनस इधर चलेगा, ये नीचे चले जाएगा, तो ये मेरा बी, ये क्वेश्चन नंबर वन हो गया, ये मेरा बी पाई निकल गया है, बी पाई निकल गया है ओके। तो ये वैल्यू मेरे पास निकल गई, ये वैल्यू मेरे पास नोन है, अननोन क्वांटिटी मेरी बी पाई थी ओके, बी पाई थी। अब मुझे यहां पे वोल्टेज और निकालना है, यहां पे क्या वोल्टेज होगा, बी पाई क्वांटिटी। नाउ अब हमें एक चीज और कैलकुलेट करनी है, हमें तो कैलकुलेट जो करना है बी आउट और बी इन के बीच में रिलेशन निकालना है, तो हमें ये पता चल गया, तो यहां पे और पता चलना है कि यहां टोटल वोल्टेज कितना होगा। अगर यहां टोटल वोल्टेज की मैं बात करूं तो यहां पे दो करंट फ्लो हो रहे हैं, एक तो करंट इधर से आ रहा है ओके okay, और दूसरा करंट कहां से आ रहा है, दूसरा करंट हमारा यहां से आ रहा है, ये दोनों करंट हो गए यहां पे सम हो रहे हैं, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, यहां पे ये जो आई करंट हो रहा है, तो मुझे वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज एट आर ई निकालना है, तो क्या हो जाएगा, वो
वो हो जाएगा टोटल करंट IE इनटू RE, ये मेरा हो जाएगा टोटल वोल्टेज इक्वल टू IE इनटू RE. ओके, अब मुझे IE निकालना है, तो IE निकालो तो ये करंट प्लस दिस करंट, तो ये करंट क्या हो जाएगा, मैं यहां पे E पर KCL लगाता हूं, KCL KCL एट नोड E, E नोड पे मैं KCL लगा रहा हूं. A नोड पे अगर मैं KCL लगा रहा हूं तो क्या होगा, यहां पे KCL लगाता हूं तो देखो ये प्लस ये इज इक्वल टू दिस, तो मुझे निकालना है वोल्टेज एट, वोल्टेज एट RE इज इक्वल टू, यहां पे वोल्टेज निकालना है तो क्या हो जाएगा वो RE, RE इनटू करंट, ये करंट प्लस दिस करंट, तो टोटल कितना हो जाएगा GM B बाय प्लस ये करंट कौन सा होगा, ये जो इधर से करंट है बी पाई बाय आर पाई, बी पाई बाय आर पाई. ओके, बी पाई बाय आर पाई. तो मेरा ये हो गया इक्वेशन नंबर टू, ये इक्वेशन नंबर टू. तो मेरे पास अब यहां पे कितना वोल्टेज है वो भी निकल गया है, बी पाई क्या है वो भी निकल गया है. तो मैं यहां पे अब पूरे इस लूप में इनपुट लूप में केवीएल लगा सकता हूं, तो मेरे पास बी आउट और बी इन के बीच में रिलेशन हो जाएगा. अब मैं क्वेश्चन ये बनता है कि बी आउट और बी इन के बीच में रिलेशन हो कैसे जाएगा, क्योंकि मुझे बी पाई की वैल्यू पता है, बी पाई की वैल्यू ये है और बी पाई में मेरा बी आउट पता है और बी इन मेरा ऑलरेडी है. तो मैं इस लूप में अगर केसीएल लगाता हूं, इसमें केवीएल लगाऊंगा तो बी इन और बी आउट के बीच में रिलेशन 100% हो जाएगा. ये कंफर्म हो गया तो यहां पे लूप लगा. उससे पहले मैं ये वोल्टेज को थोड़ा सा बी पाई के फॉर्म में लिख देता हूं, तो ये आर ही तो है ही है, ठीक है. यहां बी पाई की वैल्यू यहां से पुट कर देता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो माइनस हो जाएगा, ये जो माइनस आ रहा है वो माइनस जीएम, माइनस जीएम, ओके माइनस जीएम, ये माइनस जीएम बी आउट बाय क्या हो जाएगा आरसी जीएम माइनस बी आउट बाय आरसी जीएम बी पाई, सॉरी आर पाई, आर पाई जीएम. तो ये मेरा इक्वेशन यहां से आ गई. ओके, अब ये इसको इक्वेशन नंबर टू देता हूं, उसको भी दे सकते, तो फिर आगे जाके हम बी पाई की वैल्यू पुट करते. नाउ अब मैं केवीएल लगा रहा हूं इनपुट में, नाउ केवीएल एट इनपुट लूप, दैट इज लूप वन, इसको मैं लूप वन नाम दे रहा हूं. इसमें केवीएल लगा रहा हूं, तो केवीएल लगाओ तो क्या होगा, ये प्लस माइनस है. एक्चुअल में केवीएल लगाते तो कोई भी एक टर्मिनल को आप दे लेते हो, ये प्लस है ये माइनस, ये माइनस ये प्लस है, तो ये प्लस जो भी वोल्टेज सोर्स के ऊपर सेकंड टर्मिनल प्लस है या माइनस है हम वही लेते चले जाते. तो बी इन प्लस आएगा, बी इन प्लस आएगा, अब इसका सेकंड टर्मिनल माइनस है तो ये बी पाई आएगा माइनस बी पाई, इसका सेकंड टर्मिनल ये भी माइनस है प्लस माइनस, तो माइनस वोल्टेज एट आर ई इज इक्वल टू जीरो. तो मैं बी इन इज इक्वल टू लिख देता हूं, बी इन इज इक्वल टू B पाई की वैल्यू पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर से B पाई की वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, पहले तो B पाई लिख देता हूं प्लस B आउट V वोल्टेज एट RE. ओके, अब मैं वैल्यू पुट करता हूं, तो B इन इज इक्वल टू, नाउ B इन इज इक्वल टू B पाई की वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से देख ये, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर दिस इज माइनस साइन, तो यहां भी माइनस आ जाएगा. नाउ B आउट by RC into GM. ओके, अब मुझे क्या वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू पुट करनी है, ये क्या वैल्यू है वो तो ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है वो, ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करता हूं यहां पे प्लस, ये देखो ये प्लस साइन था प्लस RE, ये RE है, अंदर क्या है सब माइनस है, माइनस GM B out by RC GM माइनस B out by RC R pi GM. ओके, तो ये वैल्यू मैंने अभी वैल्यू पुट करी. अब यहां से मैं ये इसको अंदर ले जाता हूं, RE को सब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा RE, तो क्या होगा V in is equal to minus B out by RC GM. RE अंदर जाएगा तो देखो माइनस है, तो अंदर माइनस है तो GM B out RE by ये क्या RCGM, हाँ RCGM, RCGM माइनस RE B out by RC RC R by
जीएम, ये तो बीटा होता है, आरसी आरसी सॉरी आर पाई टू जीएम तो बीटा होता है। हमने मेरा इससे तीसरा इससे बिफोर थ्री लेक्चर देखो जब ट्रांसफर इंडक्टेंस मैंने बताया था, ये तो बीटा होता है, तो ये मैं बीटा पुट कर देता हूं। अगर ये मैं बीटा पुट करूंगा ठीक है ना, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, चलो यहां से मैं बी आउट भी कॉमन ले रहा हूं, तो बी आउट भी कॉमन ले रहा हूं और माइनस भी कॉमन ले रहा हूं, सब में माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, तो बी इन इज इक्वल टू माइनस बी आउट कॉमन ले लिया मैंने, यहां अंदर क्या बचा, 1 बाय जीएम आरसी बचा है, प्लस यहां से जीएम आ रही ऊपर है, तो जीएम आरई बाय क्या होता है आरसी जीएम, ये प्लस हो जाएगा। अब यहां बीटा आ जाएगा पूरा का पूरा, तो यहां बीटा पुट कर देता हूं, आर ई बाय आर सी बीटा, ओके। अब इसको मैं यहां ले रहा हूं, तो मैं बी आउट बाय बीन करना है मुझे ठीक है ना, तो बी आउट बीन करना है, इससे पहले मैं कॉमन ले लेता हूं, बी इन इज इक्वल टू माइनस बी आउट, ओके। सो टेक कर दे ऑल द मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को आपको ध्यान रखना है, कोई भी माइनस का प्लस ना हो जाए, जैसे ही प्लस टू माइनस होगा इट विल डेंजरस, ओके। तो इसको ध्यान रखना है आपको, कहीं भी प्लस से माइनस ना हो, ओके। सो यहां माइनस पूरा कॉमन लिया था, अंदर अब मैं एलसीएम ले लेता हूं, अगर मुझे नीचे एलसीएम लेना तो सब कॉमन चीजें आरसी आरसी सब में कॉमन आ जाएगा, जीएम यहां दोनों कॉमन है, आरसी का कॉमन है और बीटा भी कॉमन आएगा, तो क्या क्या कॉमन आएगा एलसीएम में, आरसी आएगा, फिर क्या आएगा जीएम आएगा और बीटा आएगा, ये एलसीएम आएगा। अब यहां पे जीएम आरसी है ऑलरेडी, तो यहां पे ऊपर कौन सी क्वांटिटी आ जाएगी, ओनली बीटा, प्लस यहां पे आरसी और जीएम है तो यहां पे क्या आ जाएगी, सिर्फ बीटा आ जाएगा, तो बीटा और ऊपर पहले से क्वांटिटी थी क्या था, जीएम जीएम आर ई प्लस आरसी बीटा, तो यहां सिर्फ जीएम आ जाएगा, जीएम जीएम आर ई। देखो एलसीएम लेना आना चाहिए, एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे एलसीएम लेना है 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4, तो हम क्या करते हैं इन सबका मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4, अब ये यहां से मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, ओनली 3 इंटू 4 आएगा, प्लस ये 3 3 कट जाएगा, इस तरह से एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, ओके। तो यहां से मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये मेरी क्वांटिटी, अब मुझे बी आउट बी इन के टर्म में लिखना है, तो बी आउट बाई बी क्या हो जाएगा, बी आउट बाई बी इन इज इक्वल टू माइनस, ये पूरा ऊपर चला जाएगा ये वाली क्वांटिटी, आर सी जी एम बीटा बाय, ये सब नीचे आ जाएगा, तो बीटा प्लस, ओके। या तो मैं जीएम को कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो इस तरह से भी लिख सकता हूं, जीएम कॉमन ले लिया तो ये क्या जाएगा, बीटा ओके आर ई प्लस, यहां पे आर ई भी कॉमन आ रहा है तो मैं आर ई को भी कॉमन ले लेता हूं, आर ई, तो यहां से जीएम भी कॉमन ले लिया, आर ई भी कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा बीटा प्लस 1, तो या तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं इसको, तो ये भी मेरा गेन हो गया, गेन इज इक्वल टू ए बी वोल्टेज गेन, गेन इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू क्या है, माइनस आर सी जीएम बीटा बाय बीटा प्लस जीएम आर ई बीटा प्लस 1, एक तो याद है ओके, एक तो याद है, या फिर मैं यहां से जीएम को कॉमन अगर ले लेता तो क्या हो सकता था, ए बी इज इक्वल टू माइनस आर सी जीएम बीटा बाय, ठीक है ना, अगर मैं यहां से जीएम को कॉमन लेता तो ये मेरा जीएम कॉमन आ जाता ओके, और आर ई कॉमन आ जाता, ये तो कॉमन ले लिया, मैं बीटा को कॉमन लेता तो बीटा टर्म कौन सी, ये दोनों है, तो ये बीटा को कॉमन लेता तो क्या हो जाता, 1 प्लस जीएम आर ई प्लस जीएम आर ई, ऐसे भी लिख सकता था ओके, ऐसे भी इसको मैं लिख सकता था। अब देखो अगर मैं इसको पुराने टर्म में, अगर ये कैसा दिखता है, माइनस आर सी जी एम आर आर सी के टर्म में दिखता कि नहीं दिखता है, ये आर ई टर्म में यहाँ पे आ गई जो बीटा प्लस 1 टाइम्स, बाकी सब यहां से जी एम वगैरह में कॉमन लेता हूं ठीक है ना,
बीटा कॉमन ले लेता हूं तो बीटा से बीटा कट जाएगा, ओके बीटा से बीटा कट जाएगा, नीचे बीटा आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां से बीटा कॉमन ले लेता हूं तो AB इज इक्वल टू माइनस RC GM बीटा, यहां से बीटा कॉमन ले लेता हूं, बीटा पूरा कॉमन ले लिया तो 1 प्लस GM RE बीटा प्लस 1 बाय बीटा, ओके। तो ये बीटा अगर मैंने कॉमन ले लिया तो बीटा से बीटा कट गया तो ये मेरा आ गया AB इज इक्वल टू गेन, यहां कंप्लीट हो गया, ओके। अब मैं आगे यहां रिसीव कर रहा हूं माइनस RC GM, नीचे क्या कंप्लीटली बची 1 प्लस GM RE, ओके okay, ये बीटा बीटा प्लस 1 बीटा से अगर मैं बराबर मान लूं तो ये आ ही हो जाएगा। तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं, और ये अगर मेरा RE नहीं होता तो ये जीरो हो जाता, अगर ये RE नहीं होता तो जीरो हो जाता तो मेरी क्वांटिटी क्या होती, ये पूरा जीरो हो जाती क्वांटिटी, तो क्या हो जाता माइनस GM RC हो जाता। तो देखो मतलब वैसा का वैसे ही नेचर मिल रहा है ना जो कम्युनिकेटर में था, लेकिन यहाँ पे RE से मेरा गेन और टोटल RE से गेन कम हो रहा है, कितना बीटा प्लस 1 RE से मेरा गेन कम हो रहा है, तो इस तरह से ये गेन कम हो रहा है तो टोटल गेन ये हो जाएगा। तो ये मेरा गेन हो गया कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में, ओके। अब मुझे निकालना है नेक्स्ट क्वांटिटी इज इनपुट इंपीडेंस, ओके। तो मैं नेक्स्ट क्वांटिटी निकाल रहा हूं इनपुट इंपीडेंस। इनपुट इंपीडेंस निकालने के लिए, आउटपुट इंपीडेंस निकालने के लिए क्या करना रहता है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, ओके। तो हमने देखा था कि कभी भी कोई भी इनपुट या आउटपुट इंपीडेंस निकालना है, किसी भी सर्किट का निकालना है, तो उस सर्किट को हम ब्लैक बॉक्स मानते हैं। जैसे कि कोई मेरा सर्किट है जिसमें बहुत बड़ा सर्किट है और मुझे दो टर्मिनल ये मिल रहे हैं, इन टर्मिनल के अक्रॉस मुझे टोटल इंपीडेंस निकालना है, तो मैं कुछ नहीं करता हूं, एक वोल्टेज सोर्स लगा लेता हूं बाहर से उस नोड पे और उसके अक्रॉस में टोटल करंट कैलकुलेट कर लेता हूं, और ये नोड इसमें कितने भी रेजिस्टेंस हो कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा जितने भी वोल्टेज सोर्स होंगे उनको मैं उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूंगा, इसका मतलब आइडियली जितने भी वोल्टेज सोर्स उनको ग्राउंड कर दूंगा, हटा दूंगा, शॉर्ट कर दूंगा, और जितने भी मेरे करंट सोर्स उनको ओपन कर दूंगा, ये मुझे करना है। तो यहां मैं वही कर रहा हूं कि मुझे इस टर्मिनल से मुझे इनपुट करंट टोटल इनपुट रेजिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब मैं क्या करूंगा इसको हटाऊंगा, ओके। यहां पे मैं एक वोल्टेज सोर्स लगाऊंगा Vx और यहां पे कैलकुलेट करूंगा Ix, इसका मतलब है कि मैं यहां पे एक बीम लगा रहा हूं और यहां पे मैं Iin कैलकुलेट कर रहा हूं, Iin कैलकुलेट कर रहा हूं, ओके Iin कैलकुलेट करूंगा, उस टाइम पे ये सब हट जाएंगे, मतलब यहां कुछ भी नहीं होगा, कोई वोल्टेज सोर्स कुछ भी नहीं होगा, ओके कुछ भी ऐसा कुछ यहां पे कुछ भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स नहीं होगा। तो क्या होगा, अब मैं यहां पे लगाता हूं टोटल KVL लगाता हूं, KVL अगर मैं यहां पे लगाऊंगा तो क्या क्या आएगा, देखो KVL लगाता हूं तो यहां पे आएगा Vin इज इक्वल टू Iin इनटू Iin Iin इनटू R पाई प्लस, यहां पे टोटल करंट कितना होगा Iin प्लस ये जो इधर से करंट आ रहा है क्योंकि V पाई यहां पे हो रहा है तो यहां पे V पाई आएगा, ठीक है ना। तो ये टोटल करंट यहां पे कितना आएगा, एक तो करंट जो इधर से आ रहा है मतलब Iin प्लस ये GM V पाई GM V पाई, तो एक करंट इधर से आ रहा है इधर करंट आ रहा, तो टोटल करंट एक तो ये करंट Iin इधर से आ रहा था और ये GM V पाई यहां से आ रहा है, ये V पाई अभी जीरो नहीं हो रहा क्योंकि V पाई तो यहां जनरेट हो रहा है और यहां पे तो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ठीक है ना, इनटू Iin। ये समझ में आया कितना आसान है, Vin इज इक्वल टू ये जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है KVL लगा रहा हूं KVL, ओके KVL लगा रहा हूं 8 लूप 1, ये लूप 1 में लगा रहा हूं, यहां KVL लगा रहा हूं तो I into R I into I, तो यहां पे तो Iin था, यहां पे Iin और ये इधर से जो करंट आ रहा है वो टोटल हो जाएगा, तो Iin Iin और ये टोटल करंट हो जाएगा, ओके तो Iin और ये टोटल करंट हो जाएगा प्लस Iin प्लस GM V पाई इनटू RE, ओके। अब यहां से मुझे V पाई की वैल्यू निकालनी, V पाई क्या है Iin टू R पाई, जो V पाई तो क्या है Iin इनटू R पाई, ये तो है ये करंट इनटू ये V पाई, तो यहां वैल्यू पुट कर देता हूं ऊपर तो Vin क्या हो जाएगा, Vin इज इक्वल टू Iin R पाई प्लस Iin प्लस GM और V पाई की वैल्यू क्या है Iin इनटू R पाई
मल्टीप्लाई में कितना है आर ई, ठीक है ये आ गया, यहां से मैंने वहां वैल्यू पुट कर दी, तो यहां पे मैं आई इन को कॉमन लेता हूं, तो वी इन इक्वल टू आई इन कॉमन आ जाएगा टोटल, तो यहां बचेगा आर पाई प्लस यहां कितना बचेगा वन प्लस यहां कितना बचेगा जी एम आर पाई और सब में मल्टीप्लाई में आ रही है ओके। तो वी इन बाय आई इन क्या हो जाएगा, ये तो आर इन होता है इनपुट इंपेडेंस, आर इन इज इक्वल टू आर पाई ओके प्लस वन प्लस जी एम आर पाई आर ई ओके। तो क्या हो गया आर इन इज इक्वल टू इनपुट इंपेडेंस, यही मुझे निकालना था, यही अनोन थी, तो अनोन क्वांटिटी आ चुकी है आर पाई प्लस वन प्लस जी एम आर पाई आर ई, या तो ये लिख सकते हो लेकिन मुझे ये पता है ये बीटा होता है, ये भी मैं लिख सकता हूँ बीटा के टर्म में अगर चाहूं तो ओके। तो आर इन क्या हो जाएगा, नाउ इन दिस केस इफ आई लाइक टू राइट इन टर्म्स ऑफ बीटा, सो आई जस्ट पुट है बीटा वैल्यू फॉर जी एम इंटू आर पाई, दिस इज बीटा, तो आर पाई प्लस वन प्लस बीटा आर ई। तो देखो नाउ इनपुट इंपेडेंस क्या आ गया, वन प्लस बीटा आर ई, पहले क्या आया था कॉमन इमिटर के केस में जब ये रेजिस्टेंस नहीं था सिर्फ आर पाई आया था, उस केस में सिर्फ मुझे इतना सा रेजिस्टेंस मिला था, इतना सा रेजिस्टेंस मिला था, तो मैंने ये देखा कि अगर मैं आर ई लगा देता हूं यहां पे इनपुट रेजिस्टेंस लगाता हूं तो मेरा गेन कम हो जाता लेकिन इनपुट इंपेडेंस मेरा बढ़ जाता है, इनपुट इंपेडेंस बढ़ जाता है। अच्छा आर आउट क्या होगा, आर आउट में लगाऊं तो ये सब जीरो हो जाएगा, तो बी पाई जीरो हो जाएगा, बी पाई जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो आर सी रहेगा, तो आर आउट क्या हो जाएगा, आर आउट ये मुझे कैलकुलेट करना है, तो क्या करूंगा आर आउट कैलकुलेट करने के लिए कुछ भी नहीं, ये हट जाएगा, यहां पे कुछ करंट सोर्स नहीं रहेगा मतलब ये ग्राउंड जीरो, यहां पे एक वोल्टेज सोर्स लगाऊंगा वी आउट, यहां से आई आउट कैलकुलेट कर लूंगा, तो क्योंकि यहां पे जीरो है तो यहां पे कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, देयर इज नो करंट, यहां करंट नहीं होगा तो बी 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 पाई जीरो हो जाएगा, बी पाई जीरो हो जाएगा तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, ये क्वांटिटी जीरो होगी तो देयर इज नो करंट, यहां कोई करंट नहीं होगा तो सिर्फ यहां पे लग जाएगा, यहां पे केवीएल लगेगा तो बी आउट बाय आर सी इज इक्वल टू आई आई आउट, तो बी आउट बाय आई आउट क्या हो जाएगा आर सी, तो क्या हो जाएगा आर आउट इज इक्वल टू आर सी, तो जो तो वोल्टेज गेन इसके आउटपुट रेजिस्टेंस में या आउटपुट इंपेडेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो डी जनरेशन के केस में इनपुट इंपेडेंस आपका बढ़ जाता है गेन कम हो जाता है लेकिन आउटपुट इंपेडेंस वैसा का वैसा ही रहता है ओके। सो दिस इज द ऑल अबाउट द